हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सबका। मेरा नाम है बिलावल और आप देख रहे हैं दी रियलिटी ऑफ गेमिंग। तो बहुत सारे यूज़र हैं जो चाहते हैं कि रियल क्रिकेट 22 GB रैम में भी आ जाए ताकि हम रियल क्रिकेट 20 को खेलना ही छोड़ दें, क्योंकि रियल क्रिकेट 20 में तो न्यू अपडेट आ नहीं रहा। तो सारे यूज़र चाहते हैं कि हमें 2 GB में भी मिल जाए रियल क्रिकेट 22, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा रियल क्रिकेट 20 पर और न्यूट्रलस मोबाइल पर, दोनों पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्यों पड़ेगा इफ़ेक्ट? इसलिए कि अगर रियल क्रिकेट 22 2 GB में आ गया तो रियल क्रिकेट 20 फ्लॉप हो जाएगी, यानी उसको वो डिलीट करना पड़ेगा। लेकिन यूज़र से भी बहुत ही ज़्यादा कंप्लेन आएगी अगर ये 2 GB में आया रियल क्रिकेट 22। क्यों? आगे आप जानते हैं कि रियल क्रिकेट 22 सिर्फ 4 GB में ही खेला जाता था, लेकिन जब ऑप्टिमाइज़ किया गया तो 3 GB में भी आ गया। लेकिन यूज़र की अभी बहुत ज़्यादा कंप्लेन है, यानी कि जो 6 GB रैम वाले हैं, वो जो 8 GB रैम वाले हैं, वो कह रहे हैं कि ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा लो हो गए हैं। और ये बात ट्रू भी है, जी हाँ ये सच है। आपको तो नहीं पता होगा, मतलब जो लो रेंज के मोबाइल हैं यानी 3 GB रैम वाले या 4 GB रैम वाले, उनको नहीं पता। लेकिन जो 6 GB रैम वाले हैं, जो 8 GB रैम वाले हैं, जो अल्ट्रा ग्राफिक्स में इंजॉय करते हैं रियल क्रिकेट 22 को, तो ये सच है कि 3 GB में आने के बाद ग्राफिक्स बहुत ही ज़्यादा लो हो चुके हैं। और अगर वो 2 GB पर जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको रियल क्रिकेट 20 अफेक्ट करेगा, यानी वो डिलीट करना पड़ेगा उनको प्ले स्टोर से, क्योंकि उसकी जो ज़्यादातर यूज़र हैं वो 2 GB के हैं। जो रियल क्रिकेट 22 नहीं चाहती, रियल क्रिकेट नहीं चाहती कि वो 2 GB के लिए रियल क्रिकेट 22 लेके आए। अगर वो ले भी आए तो उसको ग्राफिक्स और लो करने पड़ेंगे और इससे रियल क्रिकेट 22 पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसलिए रियल क्रिकेट 22 2 GB रैम के लिए नहीं आ सकता। बट के जिनके 3 GB रैम हैं, वो भी पता नहीं कब तक रियल क्रिकेट 22 यानी कि 1 साल तक चलता है या 1.5 साल तक चलता है, क्योंकि ये 3 GB रैम वाले भी आगे चल के पीछे छोड़ देंगे रियल क्रिकेट 22 वाले। क्योंकि अगर WCC3 में या कोई और क्रिकेट गेम हाई ग्राफिक्स दे देता है गेम, तो इनको ग्राफिक्स इंप्रूव करने पड़ेंगे। और इसका मतलब साफ है कि 3 GB रैम वाले भी मोबाइल आगे चल के छूट जाएंगे रियल क्रिकेट 22 से, क्योंकि ये एक हाई ग्राफिक्स क्रिकेट गेम है। और इन फ्यूचर बहुत सारे ऐसे गेम्स आएंगे जिनके ग्राफिक्स हाई होंगे। तो ये जो आप 2 GB का सोच रहे हैं, तो 2 GB के लिए भूल जाओ। ये 3 GB वाले जो मोबाइल हैं, ये भी सिक्योर नहीं है रियल क्रिकेट 22 के लिए। ये भी आगे चल के रियल क्रिकेट 22 से महरूम हो जाएंगे, यानी उनको छोड़नी ही पड़ेगी रियल क्रिकेट 22, क्योंकि आगे चल के ग्राफिक्स हाई होंगे इस गेम के और ये 3 GB रैम में नहीं चलेगा। बट ऐसे हो सकता है कि जो लो रेंज के मोबाइल हैं यानी कि 2 GB रैम वाले, उनके लिए रियल क्रिकेट 20 को ही इम्प्रूव किया जाए, लेकिन न्यूट्रलस मोबाइल ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। क्यों नहीं करेंगी? कि उनका जो नंबर वन गेम है, ये हमेशा से जो ऊपर होता है रेटिंग में, उनको ही फोकस करते हैं। रियल क्रिकेट 20 का भी अपडेट आएगा, लेकिन वो ऐसा कभी भी नहीं करेंगे कि इसके ग्राफिक्स हाई कर दें, इसमें न्यू शॉट्स ऐड कर दें, इसमें न्यू टूर्नामेंट्स मूड डाल दें रियल क्रिकेट 22 वाले। ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ये ऐसे करने में लग गए तो इनका टाइम लगेगा, और ये टाइम बचाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रियल क्रिकेट 22 को ही दें, क्योंकि इनकी गेम कभी भी कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि हमारा गेम रेटिंग में नीचे जाए। तो ये वर्क रियल क्रिकेट 22 पर ही करते रहेंगे और रियल क्रिकेट 20 में अपडेट देते रहेंगे। ये नहीं कि ये फिर से ऑप्टिमाइज़ करें। आप पहले जानते हैं कि इतनी देर बाद अपडेट आया ऑप्टिमाइजेशन का, जिसमें इन्होंने 3 GB रैम के मोबाइल्स के लिए गेम को ऑप्टिमाइज़ किया। तो अब ये बिल्कुल नहीं करने वाले कि फिर से 2.5-3 महीने लगा के और 2 GB रैम्स के लिए ऑप्टिमाइज़ करें गेम को, और बाद में इनको और भी प्रॉब्लम फेसिस करनी पड़े, क्योंकि ग्राफिक्स और लो हो जाएंगे 2 GB के लिए, तो फिर और भी यूज़र कंप्लेन करेंगे। तो जी हाँ, अगर ये 2 GB रैम्स में ऑप्टिमाइज़ करने में लग गए तो गेम के ग्राफिक्स और लो हो जाएंगे। और पहले से ही मैं आपको बता दूँ, कंप्लेंस बहुत ज़्यादा जा रही हैं रियल क्रिकेट को कि इसके ग्राफिक्स लो हो चुके हैं। तो इन श्योर आप रहें कि जो 3 GB रैम्स हैं, ये भी आगे चल के ये कंपनी छोड़ देगी। आप अपने मोबाइल को अच्छे से अच्छा, मतलब अब ज़माना बदल गया है, आपको भी 4 GB से या 4 GB से ऊपर मोबाइल लेने चाहिए। तो यही आज के वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें, खुश रहें। बाय बाय।